वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है गुफरान इलेक्ट्रिकल चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारी रिले, चाहे हमारी रिले 5 पिन की रिले हो दोस्तों, चाहे 8 पिन की रिले हो, चाहे 11 पिन की रिले हो, चाहे 16 पिन की रिले हो। दोस्तों आज की वीडियो में हम यही जानेंगे आखिर हमारी रिले क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसके कनेक्शन कैसे करते हैं और इसको यूज क्यों किया जाता है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार हमको देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों बिना देर करें फटाफट वीडियो पे आते हैं। और जैसे कि दोस्तों आप सब लोग देख सकते हो मेरे हाथ में जो रिले है ये हमारी 8 पिन की रिले है। दोस्तों ये 8 पिन की रिले है और एक हमारे पास दोस्तों है, हमारे पास ये भी 8 पिन की रिले है। ये अलग अलग टाइप्स की है, ये कुछ इस तरह की है और ये इस तरह की है, यानी कि डिजाइन इनका अलग है लेकिन इनकी वर्किंग सेम ही होती है। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारी रिले होती है इसके मुख्य दो भागों में बांटा गया है। एक इस टाइप की रिले आपने देखी होगी, एक इस टाइप की रिले आपने देखी होगी। दोस्तों ये जो रिले होती है ये होती है OLR, इसको बोलते हैं OLR यानी कि ओवरलोड रिले, इसको थर्मल ओवरलोड रिले भी बोलते हैं। दोस्तों इसका यूज किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि हमारी कोई मोटर है या हमारा कोई भी लोड है जहां पे भी इसका यूज किया जाता है, ये किया जाता है कि अगर हमारा कोई लोड चल रहा है तो वहां पे ओवरलोड ना जा सके, यानी कि ओवरलोड होने पर ये ट्रिप करा दे। अगर हमारी कोई मोटर ओवरलोड होती है या हमारा कोई भी लोड ओवरलोड होता है तो उसको ये ट्रिप करा देती है, तो ये हमको प्रोटेक्शन देती है। एक तरह से दोस्तों इसका काम होता है मॉनिटरिंग करना, यानी कि जो भी लोड इसके द्वारा हम चला रहे हैं ये उसकी मॉनिटरिंग करती है और इसको लगता है, जैसे ये सेंस करती है इसका करंट, यानी कि जैसे ही करंट ओवरलोड होता है तो ये ट्रिप करा देती है। तो इसका यूज किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जो हमारी ये वाली रिले है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम ग्लास रिले। दोस्तों ग्लास रिले इसलिए बोलते हैं कि ग्लास की तरह इसमें आर पार दिख रहा है, ये ग्लास का नहीं होता है, ये होता है प्लास्टिक का। लेकिन इसको हम ग्लास रिले इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ एकदम ग्लास की तरह क्लीन दिख रहा है, यानी कि जिस तरीके से ग्लास होता है आर पार दिखता है ऐसे ही इसमें दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो ग्लास रिले होती है ये आती है 5 पिन, आपको 5 पिन की देखने को मिलेगी, 8 पिन की, 11 पिन की, 14 पिन, 16 पिन, इस तरीके से देखने को मिलेगी। दोस्तों इसका यूज किया जाता है, जो हमारी ग्लास रिले है इसका यूज किया जाता है केवल स्विचिंग के लिए। स्विचिंग माने मतलब कि दोस्तों यानी ऑन ऑफ कराने के लिए, किसी सर्किट को हमको इंस्टेंटली ऑन ऑफ कराना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे जो हमारी ग्लास रिले होती है। अगर हमको ओवरलोड यानी प्रोटेक्शन के लिए यूज करना है तो हम इसको OLR यानी कि ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी स्टार डेल्टा स्टार्टर वगैरह में आपको ये देखने को मिलेगी, जहां पे हम कॉन्टैक्टर लगाते हैं तो कॉन्टैक्टर के साथ आपको अक्सर ये देखने को मिलेगी OLR रिले। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है ये जो रिले है ये प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है। तो आज हम बात करेंगे इस रिले पे जो स्विचिंग के लिए यूज होने वाली है। दोस्तों ये तो आप समझ गए कि रिले के दो भागों में बांटा गया है, एक रिले हो गई जो हमें प्रोटेक्शन देगी, एक रिले होती है जो हम स्विचिंग के लिए यूज करते हैं। तो आज हम इस रिले के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये स्विचिंग का कार्य कैसे करती है और इसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी पिन की। दोस्तों इसमें पिन जो होती है ना, ये इनमें मुख्य दो पिन होती है, जो दो पिन होगी इसमें वो होती है हमारी ऑपरेटिंग के लिए, यानी कि इसको ऑपरेट कराने के लिए। आप यहां पे देख सकते हैं एक सर्किट बना है दोस्तों, ये छोटा सा आप देख सकते हो, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है सिंबल यहां पे जो मेरे हाथ के पास में, जो आप देख सकते हो ये गोल सा बना हुआ है, ये स्क्वायर है, वैसे तो गोल सा दिखाई दे रहा है लेकिन ये स्क्वायर है। ये जो सिंबल होता है ये होता है हमारी रिले का, यानी कि जहां पे भी आपको ये सिंबल देखने को मिले, और दोस्तों सिंबल देखने को मिल रहा है ये होता है इसका किसका, हमारी रिले की जो कोयल है उसका सिंबल है। और दोस्तों दो वायर इस पे गए हैं, कुछ 7 नंबर पे गया है एक, और एक गया है हमारा 2 नंबर पर, ये इस तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों, एक क्या है, एक हमारा 2 नंबर पे गया है, एक गया है 7 नंबर पर। ये 2 नंबर हुआ, जो एक वायर गया है हमारा कहां गया है, 2 नंबर पर गया है, और एक गया है 7 नंबर पर, ये वाला 7 नंबर पर, ये वाला 2 नंबर पर। तो दोस्तों दो इसमें जो पिन होती है ना, आप कोई भी रिले ले लो, चाहे आप 6 पिन की रिले ले लो, 8 पिन की रिले, चाहे 11 पिन की रिले, चाहे 16 पिन या 14 पिन की रिले, उसमें दो कॉन्टैक्ट यानी कि दो इसकी पिन जो होती है ना, ये पिन, मैं पिन क्यों बोल रहा हूं कि 14 पिन 16 पिन, दोस्तों ये पिनों की संख्या यहां से गिनी जाती है। ये इसका ऊपर का हिस्सा है और ये इसका बेस है, जो हमारी रिले है, रिले है इस वाली रिले का, और दोस्तों इस रिले का ये बेस है और एक ये रिले है इस टाइप की।
अब आप देख सकते हैं दोस्तों, क्लियर दिख रहा है जो 2 नंबर और 7 नंबर है, ये 2 नंबर और 7 नंबर जो होता है दोस्तों, ये है ऑपरेटिंग का। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कोयल का निशान सिंबल बना हुआ है और ये ऑपरेटिंग के लिए है। और बाकी जो कंटेंट है 1 नंबर 8 नंबर 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर, ये है दोस्तों इसके NO और NC कॉन्टेंट। दोस्तों ये जो नंबर आप देख रहे हो, ये नंबर आपको जो हमारा रिले का बेस है, ये जो बेस है दोस्तों, इस बेस पे भी आपको ये नंबर देखने को मिलेंगे। जो ये नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, यही नंबर हमारा जो रिले है दोस्तों, इस रिले का जो बेस है, इस बेस पे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वहां पे भी ये नंबर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, आखिर इसका वर्क कैसे होता है। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पिन है, वो पिन के पास में भी नंबर लिखे हुए है, हर एक पिन के पास नंबर लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैंने इसका जो इस पे लिखा हुआ है हमारी रिले पे, ये वाला जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और जो हमारी इस रिले पे लिखा है दोस्तों, ये भी 8 ही पिन की रिले है, जो इस पे लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा दोस्तों, चाहे हमारी 8 पिन की रिले हो, चाहे हमारी 11 पिन की रिले हो, 14 पिन की रिले हो, चाहे 16 पिन की रिले हो, मैं इसमें आपको ऐसा समझाऊंगा, इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप बड़ी आसानी से कनेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों ये जो देख सकते हैं आप, ये जो आपको जहां भी देखने को मिलेगा दोस्तों, देखो ये इस पे बना हुआ है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये होती है इसकी कोयल, क्या होती है कोयल, और ये बाकी जो है कंटेंट इसके वर्क करते हैं। तो दोस्तों इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर हम इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले वही बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको ऑपरेट करने की। तो दोस्तों इस पे यहां पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 250 वोल्टेज AC, 28 वोल्टेज DC, 10 एम्पियर रिजर्व। और दोस्तों इस पे नीचे भी लिखा हुआ है 250 वोल्ट AC, 7 एम्पियर जनरल। तो दोस्तों तो अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि आखिर हमको इसको 250 वोल्टेज AC देना है, 28 वोल्टेज DC देना है, या सिर्फ इसको 250 वोल्ट AC देना है। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, इसके ऊपर कुछ और भी लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कंटेंट, यानी कि जो इसके कंटेंट है उसकी सप्लाई लिखी हुई है। ये दोस्तों जो हमारी कोई भी रिले होती है उस पे दो तरह की सप्लाई होती है, एक तो जो कॉन्टैक्ट रिले, यानी कि जो इसके कॉन्टैक्ट है, जो NONC है, कॉन्टैक्ट का मतलब है इसमें NONC, और जो इसको ऑपरेट करने की जो बात है दोस्तों, उस सप्लाई के बारे में यहां नहीं लिखा गया है। उस सप्लाई के बारे में आप हमेशा देखोगे, जो ग्लास रिले होती है दोस्तों, इसको जब ऑपरेट करने की बात आती है तो जो इसकी ऑपरेट करने की जो सप्लाई होती है ना दोस्तों, उसके बारे में जो लिखा होता है वो यहां नहीं लिखा होता है, वो लिखा हो दिखेगा दोस्तों आपको यहां पे। आप देख सकते हैं दोस्तों इस पे क्या लिखा है, 200 वोल्टेज AC। चाहे तो आप दोस्तों ये वाली रिले भी देख सकते हो, मैं इसको भी आपको दिखा सकता हूं, इस पे क्या लिखा है दोस्तों, इस पे लिखा है 24 वोल्टेज DC। यानी कि जब भी इसकी ऑपरेट होने की बात आती है तो इसकी सप्लाई को आपको चेक करना है इसकी अंदर वाली कोयल पर, यानी कि इस पे अंदर लिखा होता है इसको ऑपरेट करने के लिए हमें कितनी सप्लाई की आवश्यकता होगी। और जो दोस्तों इस पे बाहर जो सप्लाई लिखी होती है, जो मैं आपको दिखा रहा था, ये जो सप्लाई लिखी हुई है, ये लिखी होती है इसकी कॉन्टैक्ट की, यानी कि जो इसके NONC का जो कॉन्टैक्ट है, वहां से हम कितनी सप्लाई को पास करा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी सप्लाई के बारे में मैंने बता दिया है कि इसकी सप्लाई को हमको कैसे ऑपरेट कराना है, यानी कि कितनी सप्लाई। आप जब भी देखोगे इसके अंदर वाला जो कोयल का हिस्सा होता है, वहां पे आपको सप्लाई देखने को मिलेगी ऑपरेटिंग वाली। और जो दोस्तों इस पर बाहर लिखा होता है, ये लिखा होता है इसकी कॉन्टेंट की सप्लाई, यानी कि हम कॉन्टेंट से इसके जो NONC कॉन्टेंट है, यानी कि जो इसके बेस पे कनेक्शन करते हैं हम, जो इससे हम पास कराएंगे सप्लाई, तो वो सप्लाई लिखी होती है इसकी बाहर की तरफ यहां पर। अब बात आती है आखिर ये वर्क कैसे करती है। तो दोस्तों मैं एक चीज सिंपल बता दूं आपको कि आखिर जो भी हमारी रिले होती है, जिस तरीके से हमारे कॉन्टैक्टर के A1 और A2 टर्मिनल होते हैं, इसी तरीके से दोस्तों जो हमारी कोई भी रिले हो दोस्तों, चाहे रिले हमारी 5 पिन की रिले हो, या 11 पिन की रिले हो, या 8 पिन की रिले हो, या 14 पिन, या 16 पिन, यानी कि कोई भी रिले हो, चाहे हमारा कोई भी कॉन्टैक्टर हो दोस्तों, जब इनको ऑपरेट करने की बात आती है तो इन पे A1 और A2 टर्मिनल दिए गए होते हैं। अगर A1 A2 टर्मिनल नहीं दिए गए हैं तो ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। जहां पर भी ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा, कुछ इसकी साथ में एक और सिंबल हो सकता है कुछ इस तरीके से,
और यहाँ पे एक और ऐसे। तो दोस्तों ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है, इसकी कोयल का सिंबल है यानी कि ऑपरेटिंग का, 2 नंबर और 7 नंबर जो हमारी 8 पिन वाली इस टाइप की रिले है। अगर आप इसके बेस पर देखोगे, इस वाले के बेस पर, तो उस पर भी आपको ये नंबर देखने को मिल जाएंगे। जिस तरीके से जो हमारी इस टाइप की रिले है ये वाली, इसके बेस पर भी नंबर लिखे हैं, लेकिन नंबर बहुत छोटे लिखे हैं, तो मैं आपको दिखाने जाऊंगा तो शायद नहीं दिख पाए, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको ऑपरेटिंग करने के लिए A1 और A2 टर्मिनल का ही इस्तेमाल होता है। और मैंने सप्लाई आपके बारे में, सप्लाई के बारे में पहले ही बता दिया है कि सप्लाई कहाँ पे चेक करनी है, अंदर की तरफ। तो एक हमारी जो ये वाली रिले है, ये है 24 वोल्ट से ऑपरेट होने वाली, और ये वाली जो रिले है हमारी, ये हमारी AC सप्लाई से ऑपरेट होने वाली। तो ये जो होती है दोस्तों, हम सप्लाई कहाँ पे देंगे, यहाँ पर देंगे, 2 नंबर और 7 नंबर। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्टैक्ट की, जो मैं बता रहा था आपको, जो NONC कॉन्टैक्ट है। दोस्तों देखो, आप सिंपल है, इस पे एक हमारे एक कॉन्टैक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल इस पे कितनी पिन है, 8 पिन है। इसका जो बेस होगा उस पे 8 ही होल होंगे, यानी कि 8, और जो इसके कनेक्शन करेंगे वहां पर भी 8 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो 2 ऑप्शन तो रिजर्व हो गए इसकी सप्लाई के लिए, यानी इसको ऑपरेटिंग के लिए। अब बात आती है इसकी, दोस्तों ये होगी हमारे कॉमन, 1 नंबर कॉमन हो गया और 8 नंबर क्या हो गया, कॉमन। वो कैसे दोस्तों, जब अगर मैं इसको 1 नंबर पे सप्लाई दूं, ये इसको मैं अभी 2 नंबर और 7 नंबर पे सप्लाई नहीं देता, मैं 1 नंबर पे कोई सप्लाई देता हूं, फेस वायर मैंने दिया, तो मुझे कहां मिल रहा है, 4 नंबर पर मेरे को डायरेक्ट मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों हमारा NC यानी कि नॉर्मली क्लोज, ये हमारा सर्किट क्या है, क्लोज, 1 नंबर से 4 नंबर क्या है, क्लोज है, तो डायरेक्ट सप्लाई हमको यहां मिल जाएगी। अब मैं जैसे ही अपनी रिले को ऑन कराऊंगा, मैं 2 नंबर और 7 नंबर पे सप्लाई दूंगा, तो जो मैं यहाँ पे दे रहा था 1 नंबर पे, वो कहाँ मिल रहा था, 4 नंबर पे, ये कहाँ पे था, इसकी 7 क्लोज था। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑपरेट कराऊंगा, ये जो यहाँ पे अभी हमको 4 नंबर पे दे रहा है, तो ये यहाँ पे देगा हमको, क्या देगा हमको, 3 नंबर पे देगा, और ये यहाँ से सप्लाई कट जाएगी, क्योंकि ये जो पिन है ये इस तरफ आ जाएगी। जैसे ही हमारी ये रिले ऑपरेट होगी, तो ये हमको कहाँ, 3 नंबर पे देगा, जो हमारा N होता यानी कि नॉर्मली ओपन था। इस तरीके से इसके कॉन्टैक्ट वर्क करते हैं। जैसे ही हमारी रिले ऑपरेट होगी, तो जो NC था वो तो बन जाएगा NO यानी कि नॉर्मली ओपन, ये सर्किट ओपन हो जाएगा। ये क्लोज किसके साथ हो जाएगा, 3 नंबर के साथ। तो इस तरीके से हमारी रिले वर्क करती है। ये तो आप समझ गए दोस्तों, ये वाली रिले की बात थी। अब आती है ये वाली रिले, जो इस टाइप की रिले आपको कहीं देखने को मिलेगी, ये वाली रिले। तो इस पे आपको 2 तरह के नंबर देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने इस पे लिखा भी है दोस्तों, 1 नंबर 12 नंबर 5 नंबर 14 नंबर 9 नंबर 11 नंबर, यानी कि हर एक नंबर के साथ 2 नंबर देखने को मिलेंगे। 2 नंबर इसलिए दोस्तों, कई बार 1 नंबर क्या होता है कि हम इसको हाथ से अगर मैं इसको घिस दूं तो ये साफ हो जाएगा, तो इस पे कई बार ऐसा होता है कि एक नंबर दिख भी नहीं रहा, तो दूसरा नंबर हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरीके से इस पे 2 नंबर दिए गए होते हैं। चाहे तो हम इसकी बात कर ले, अगर ये मैं एक ये नंबर भी ना दिए गए हो, इस पे सिर्फ सिंगल नंबर दिए गए हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो इसके NONC है उसका ही काम होता है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो कॉमन है हमारे क्या है, 9 नंबर और 12 नंबर, यानी कि 9 और 11 एक ही है और 12 41 एक ही है। ये इसके नाम 2 दिए गए हैं, 2 नंबर दिए गए हैं, लेकिन ये पॉइंट एक ही है, एक ही पॉइंट है ये। इसी तरीके से जो ये दोनों 8 और 44 लिखा है, ये एक ही पॉइंट है, लेकिन मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है। जो ये छोटे नंबर है, छोटी संख्या ब्रैकेट के अंदर है और बड़ी संख्या ब्रैकेट के बाहर है, ये सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा गया है। तो इसी तरीके इसे इसमें क्या है, कॉमन है हमारे, इसमें कॉमन है 11 नंबर 9 नंबर और ये 41 नंबर 12 नंबर ये कॉमन है। और इसके साथ किसके साथ हमारा कॉन्टैक्ट मिल रहा, सेम दोस्तों यही डायग्राम आपको रिले पर भी देखने को मिलेगा। अगर आप ये समझ गए तो आप कहीं पर भी रिले को बड़ी आसानी से कनेक्ट करा सकते हैं। तो ये NONC इसी तरीके से वर्क करेगा दोस्तों। 12 नंबर कॉमन, 11 नंबर कॉमन, ये कॉमन हो गई, ये क्या हो गए, ये इस कॉमन के साथ NC कौन सा हो गया हमारा, ये 4 नंबर, और इस वाले कॉमन के साथ हमारा 1 नंबर 12 नंबर यानी कि एक ही है, NC हो गया। ये क्या हो गया, 8 नंबर, ये हो गया दोस्तों NO। तो जैसे ही मैं इसको बिना सप्लाई, जब तक मैं इसको सप्लाई नहीं दूंगा, तो जो मैं यहां सप्लाई दे रहा हूं वो घूम के कहां मिल रही है, मेरे को यहां मिल रही है। और जैसे ही मैं इसको ऑपरेट यानी कि मैंने अपने रिले को ऑन करा दी, अब ऑन कराने पे क्या होगा, ये जो मेरे सप्लाई यहाँ पे जो ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला ये यहाँ पे टच था, तो जैसे ये ऑपरेट होगी तो ये वाला इसके साथ टच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस वाले के साथ। जैसे ये घूमेगा ये इसके साथ टच हो जाएगा, 5 नंबर
यानी हमारे टोटल कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट है, 4 पॉइंट ये होगी, 4 ये होगी। तो एन ओ एन सी इस तरीके से वर्क करते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, हमारी जो रिले का मुख्य कार्य होता है, हम रिले को इस्तेमाल क्यों करते हैं, आखिर जरूरत क्या पड़ती है। तो कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि जैसे हमारा कोई सेंसर है, ये मेरा क्या है, डीसी सेंसर है। अब मेरा डीसी सेंसर है, अब मैं चाहता हूं जो मेरा कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर मेरे पास क्या है, एसी कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर है मेरे पास एसी, मैं चाहता हूं मेरे डीसी सेंसर से एसी कॉन्टैक्टर ऑन हो, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल है दोस्तों, एक रिले लगा देनी है बीच में, क्या करना है, एक रिले लगा देनी है, और रिले लगाने के बाद कनेक्शन करने हैं, और बड़ी आसानी से मैं इसको ऑपरेट करा सकता हूं। वो कैसे दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूं। शायद आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी, हमने वीडियो में उसमें करा के भी दिखाया, हमारा डीसी वाला क्या है, डीसी क्या है हमारे पास सेंसर, और हमारे पास एसी कॉन्टैक्टर है, मैं डीसी सेंसर से एसी कॉन्टैक्टर जो ऑन कराऊंगा, तो रिले की मदद से ऑन कराऊंगा मैं, कैसे दोस्तों, अभी आप समझ लेते हैं। ये डीसी रिले है, लेकिन जो इसका एनओएनसी मैंने अभी आपको बताया था, जो एनओएनसी पॉइंट है, उस एनओएनसी से मैं एक फेस वायर सप्लाई का लूंगा, जो हमारी एसी सप्लाई है, जो एनओएनसी है दोस्तों, जो एनओ पॉइंट है, यानी कि इसके कॉमन पे एक मैं फेस सप्लाई जोड़ूंगा, और जो एनओ है नॉर्मली ओपन, तो यहां पे हमको आउटपुट में फेस सप्लाई मिलेगी। जैसे ही मेरी रिले ऑन होगी, सेंसर से रिले ऑन होगी, रिले ऑन होते ही क्या होगा, ये हमारा कॉमन इसके साथ एनसी था, तो ये एनओ हो जाएगा एनसी, और यहां हमको यहां 8 नंबर पे या 44 नंबर पे सप्लाई मिलेगी, और यहां से मैं उठाऊंगा और कॉन्टैक्टर को मैं सप्लाई दे दूंगा फेस वाला वायर, और न्यूट्रल में दे दूंगा कॉन्टैक्ट को डायरेक्ट। तो इस तरीके से हम जो हमारा डीसी सेंसर है, उससे हम एसी कॉन्टैक्टर ऑन करा सकते हैं। तो ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो रिले का, वो इसीलिए किया जाता है कि हमारी जो पीएलसी में अक्सर आपको देखने को मिलेगा, जो पीएलसी पैनल होते हैं वहां पे, जो कंट्रोलिंग पैनल होते हैं वहां पर रिले का इस्तेमाल ज्यादा होता है, और वो कंडीशन कुछ ऐसी ही होती है कि हमको डीसी सप्लाई हमारे पास जो पीएलसी से आउटपुट आती है, और हमको एसी कंपोनेंट्स यानी कि एसी के कॉन्टैक्टर वगैरह या कुछ भी मशीनें हमको एसी वाले ऑपरेट करने होते हैं, तो वहां पे हम रिले लगाते हैं। और दूसरा पर्पज, इससे हमको सेफ्टी मिल जाती है, हम डायरेक्ट अपने लोड को ना ऑन करा के रिले को ऑन कराते हैं। अगर हमारा खराब भी होता है तो रिले होता है, और रिले हमारा सस्ता पड़ता है, यानी कि हमारा ज्यादा नुकसान होने से अच्छा है छोटा नुकसान हो जाए, इसीलिए हम रिले का इस्तेमाल भी करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपका जो रिले का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट सारे कमेंट के आंसर देता हूं। अगर आंसर बड़ा होता है तो मैं अलग से वीडियो भी बनाता हूं उस पे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपकी पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।